अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम AIOU मैगज़ीन के साथ आपकी मेज़बान राबिया मलिक हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों शबा पाकिस्तानी ज़बाने व अदब के पश्तो ज़बान के नामवर सूफ़ी शायर रहमान बाबा के हवाले से एक कौमी अदबी सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई रवाबत सलीम सैफुल्ला ख़ान और मेहमान अज़ाज़ जनाब परेशान खटक थे, जबकि रहमान बाबा पर मकाला मशहूर दानिशवर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आज़म आज़म ने पेश किया। मशहूर मज़ा नगार और मतदद नसरी व शेरी किताबों के खालिक प्रोफेसर ताहा खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सेमिनार से खताब करते हुए मेहमान खसूसी वफाकी वजीर बराए बैनुस्सूबाई रवाबत सलीम सैफुल्ला ख़ान ने कहा, आज का यह दिन यकीनन एक अहम दिन है जो हम सब मिलकर पश्तों के अजीम अल मर्तबत सूफी शायर रहमान बाबा की याद मना रहे हैं। मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई रवाबत सलीम सैफुल्ला ख़ान ने कहा कि मुझे ये जानकर नहायत खुशी हुई है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया की 4 सबसे बड़ी मेगा यूनिवर्सिटियों में शामिल है और सालाना 7 लाख तलबा व तालबात की तादाद के हवाले से मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की ये शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। सलीम सैफुल्ला ख़ान ने कहा कि रहमान बाबा कौमी अदबी सेमिनार में शिरकत मेरे लिए बतौर ख़ास इसलिए भी ज़्यादा मुफीद साबित हुई है कि मेरे पास सूबाई रवाबित की वफाकी वजारत का कलमदान है, जबकि रहमान बाबा अलामा इकबाल और दीगर तमाम सूफी शोरा भी कौमी यकजहती का दरस दे रहे हैं। ज़िंदगी में हकीकी इश्क व मोहब्बत की वो बेमिसाल दास्तान रकम की जो आज भी ज़हनों को मुनव्वर कर रही है। रहमान बाबा कौमी अदबी सेमिनार के मेहमान अजाज़ बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल दानिश्वर साबिक चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और सितारा इम्तियाज़ प्रोफेसर परेशान खटक ने अपने खिताब में कहा, तमाम पश्तूनों के इलाके में सिर्फ दो आदमियों को बाबा कहा जाता है, एक पीर बाबा, लेकिन वो शेर पश्तून नहीं। प्रोफेसर परेशान खटक ने कहा कि पख्तून रहमान बाबा को अपना रूहानी बाप और वलीउल्लाह मानते हैं, इनके कलाम से इस्तखारा करते और फाल निकालते हैं। उन्होंने कहा कि हमें रहमान बाबा के कलाम में इंसानियत के दुख नज़र आते हैं। वो चूंकि तमाम इंसानों में मसावात के मुबल्लिग थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ अपने कबीले महमद का हवाला कभी पसंद नहीं फरमाया। प्रोफेसर परेशान खटक ने कहा कि आज पाकिस्तान और इसके माशरे को दरपेश मसाइल का हल रहमान बाबा और मुल्क के तमाम सूफी शोरा के कलाम और तालीमात में मौजूद है। इलाके से तो एक उनमें से बहुत ज़्यादा हुजूर गपशप लगा रहा था, तो उसने रहमान उसे कुछ उसने कहा मुझे अचानक कि रहमान बाबा ने क्या खूब फरमाया है कि अली हैदर ये ऐसा करो वैसा करो। अब अली हैदर जोशी एक शायर है पश्तों का। रहमान बाबा कौमी अदबी सेमिनार की सदारत के फ़राइज़ वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद हसन भट्ट ने अदा किए। उन्होंने अपने खिताब में कहा, आज का ये सेमिनार इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ना सिर्फ एक हदिया है बल्कि इस ख्वाहिश का इजहार है कि हम अपने कौल और फेल के तजाद को दूर करें। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अल हसन भट्ट ने कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी में शोबे पाकिस्तानी ज़ुबानी इसलिए कायम किया गया कि हम अपने दरख्शा माजी के मुफक्किरीन और सूफी शोरा के अफकार आलिया से इस्तफादा कर सकें, क्योंकि ये सब कौमी यकजहती इंसानियत के एहतराम और आला इकदार की तालीम देते थे। बदकिस्मती से आज हमें सूबाई इलाकाई और रंगो नस्ल हसब व नसब की तफरीक और तसब जैसे मसाइल का सामना है। रहमान बाबा और दूसरे तमाम सूफिया कराम का बुनियादी मकसद माशरे के अंदर एक हमागीर सोच पैदा करना और इंसानियत की बहबूद का दर्स देना था, और सूफिया एक खित्ते की नहीं बल्कि पूरे आलम की रहनमाई करते हैं। रहमान बाबा का पैगाम इंसानियत का पैगाम है, वो मसावी इंसानी इकदार का दर्स देते हैं। गलत ख्यालात रख रहे हैं कबीले कबीलों के बारे में, आज वो लफ्ज जो मेरे लिए बड़ा अहम लफ्ज है तालिब सायल, उसको अगर हम तालिबानाइजेशन कर दें
तो अपनी हकीकत खो देता है। हमने इस यूनिवर्सिटी में शोभा पाकिस्तानी ज़बानें बना के ये कोशिश की है कि हम अपने मशाहिर, अपने उन शोरा, उन मुहक्किकीन, उन तनकीद करने वाले लोगों को दोबारा जानें और उनके जानने से उनकी तहकीक, उनकी तनकीद हमारी तजदीद का हिस्सा बने। आज हमारे मुल्क में, हमारी दानिशगाहों में, हमारी दरसगाहों में अगर कोई कमी है तो वो यही कि वो शौक़, वो वलवला, वो जस्तजू जिससे हम कुरान के वो सवालात का जवाब दे सकते हैं जिनके बारे में कुरान ने 1400 साल पहले हमसे कहा था, अफला यतफक्करून, क्यों नहीं सोचते, अफला ताकिलून, क्यों नहीं अकल का इस्तेमाल करते, अफला तालमून, क्यों नहीं इल्म हासिल करते। और जब ये तीनों चीज़ें कर लें तो फिर आखिरी बात अफला तामलून, उन पर अमल क्यों नहीं करते। रहमान बाबा कौमी अदबी सेमिनार के कलीदी मकाला निगार, नामवर दानिश्वर, ड्रामा निगार, कॉलम निगार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आज़म आज़म के मकाले का उन्वान था शोहराए रहमान। उन्होंने अपना मकाला पेश करते हुए कहा, रहमान बाबा के नाम और शख्सियत के साथ पश्तून अवाम की ये अकीदत दरअसल वो गहरा रूहानी रिश्ता है जिसके नतीजे में उनके कलाम की वसादत से रहमान बाबा उनके लिए एक साहिब हाल सूफी और वलीउल्लाह का मर्तबा रखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आज़म आज़म ने कहा कि रहमान बाबा का दौर पश्तो ज़ुबान व अदब के अरूज का दौर था। इस दौर में पश्तो के कई नामवर शोरा मंज़र-ए-आम पर आए। शायद इस दौर में इतनी बड़ी तादाद में पश्तो ज़ुबान के शायरों और अदीबों का वजूद में आना इसलिए मुमकिन हुआ कि वही दौर पख्तून माशरे में शदीद समाजी खलफिशार का दौर भी था। उन्होंने कहा कि रहमान बाबा पख्तून माशरे के घर, हुजरा और मस्जिद में यकसां तौर पर मकबूल हैं। खान और मिस्र खान का ज्ञानी जैसे बुलबुलाने हजार दास्तान पश्तो अदब के मरगुजारों में मैं सुकून की जान छटकाती हुई हम नवा नजर आते हैं। नामवर शायर, दानिश्वर, मुफक्कर और माहिर तालीम प्रोफेसर ताहा खान ने रहमान बाबा के मुकम्मल दीवान का उर्दू तर्जमा किया है। उन्होंने इस सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, गालिब से ज्यादा ज़हीन शायर मौजूद नहीं, इकबाल से ज्यादा तालीम याफ्ता शायर मौजूद नहीं। मैंने जब तर्जुमा किया है रहमान बाबा का, प्रोफेसर ताहा खान ने अपने खिताब में कहा कि मीर अनीस से ज्यादा कादिरुल कलाम, गालिब से ज्यादा ज़हीन और इलामा इकबाल से ज्यादा इल्म रखने वाला शायर मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन रहमान बाबा में ये तीनों खूबियाँ यकचा तौर पर पाई जाती हैं। वो शायर तरीकत और शायर शरीयत भी थे। उन्होंने कहा कि सूफिया कराम के अरफाना कलाम को समझने के लिए दर्द मंदिल की जरूरत होती है। इस तरह नहीं किया गया, मैंने 360 रकनों का तर्जुमा किया, मुकम्मल तर्जुमा किया है। मुझे अभी अभी बताया है डॉक्टर आलम खान आलम ने, और वो शेर भी पढ़ के गए कि वो गज़ल आप देखिए, जरूर देखिएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने देखी है रफ्तार दरवेशों की, एक कदम जमीन पर और एक आसमान पर होता है। ये मुझसे तो उन्होंने फरमाइश की है कि आप इसका मतलब बताएं। मैंने तर्जुमा तो किया है कि दरवेश मानता नहीं नदी को दूर को। रहमान बाबा कौमी अदबी सेमिनार के इख्तिताम पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कायम मकाम डीन, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस और चेयरमैन शोबाए पाकिस्तानी ज़बानें व अदब प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने शिरकत करने वाले स्कॉलर हजरात और हाजरीन मजलिस का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल भी हमने जितने सेमिनार और कॉन्फ्रेंसें की इनमें हमें आपकी मुकम्मल सरपरस्ती और मुफसल रहनुमाई हासिल। इसके बाद शुक्रिया अदा करना है अपने शोबे के असातिज़ा जनाब अब्दुल्ला जान आबिद, जनाब जियाउर रहमान बलोच,
और जनाब हाकिम अली गुर्रो साहब का कि आज का ये सेमिनार मुकम्मल तौर पर उन्होंने खुद मुरतब किया है और इसके सारे इंतजाम खुद किए हैं। मुझे खुशी है कि शोबा पाकिस्तानी ज़ुबानें में मुस्बित पाकिस्तानी सोच और मुसलसल मेहनत के जो पौधे मैंने लगाए थे वो फल देने लगे। अजीज़ तलबा, सेमेस्टर खजान 2006 में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के फ़ाइनल इम्तहान के नतज का ऐलान कर दिया गया है और उम्मीद है कि अब तक ये नतज तमाम उम्मीदवारों को डाक के ज़रिए मिल चुके होंगे। अगर अभी तक किसी तालब इलम या तालबा को नतज ना मिले हों तो उन्हें चाहिए कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.aiou.edu.pk से अपना रिज़ल्ट हासिल कर लें। उम्मीदवार नतज हासिल करने के लिए अपने शहर या करीबी शहर में मौजूद अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इलाकई दफातर से भी रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में वाक़ा शोबा इम्तहान के सुप्रिटेंडेंट से बिल मुशाफा या उनके फ़ोन नंबर्स 0519057319 से भी मालूम हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन भट ने गुज़िश्ता माह यूनिवर्सिटी में 56 लाख रुपए की लागत से नए टेलीफोन एक्सचेंज का इफ्तिताह किया और दुआ भी कराई। इस एक्सचेंज की ख़ास खूबी यह है कि यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों में पहले से मौजूद एक्सटेंशन नंबर्स पर मुल्क भर से तलबा व तालबात बतौर डायरेक्ट नंबर डायल कर सकेंगे। मसलन, अगर तालिब इलम PA2 कंट्रोलर से बात करना चाहते हैं तो उनका पुराना नंबर 4310 था जो अब 7310 हो गया है। इससे पहले 905 मिलाएं, यानी PA2 कंट्रोलर से 9057310 पर डायरेक्ट बात कर सकेगा। वाइस चांसलर ने एक्सचेंज का मुआयना किया और इस मौके पर इन्हें ब्रीफिंग दी गई। यकम अगस्त 2007 के कौमी अखबारात में आपने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिलों के बारे में इश्तहार दाखिला मुलाहिजा किया होगा। सेमेस्टर खजां 2007 के दाखिले पूरे मुल्क में और मशरक वस्ता के ममालिक में शुरू हो चुके हैं। आइए दाखिलों के मुतालिक मजीद मालूमात लेने से पहले अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महमूदुल हसन भट से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने देखा होगा हमारा ऑटम 2007 का इश्तहार मुख्तलिफ अखबारात में। इस इश्तहार के ज़रिए हमने आपको ये मालूमात मुहैया की हैं कि इस सेमेस्टर में किन किन मजामीन में और किन किन कोर्सेज के दाखले हो रहे हैं। उम्मीद है आपने इन इश्तहारात पे खूब गौर से देखा होगा कि कौन कौन से कोर्सेज आपने इस सेमेस्टर में लेने हैं और उनकी सिलेक्शन कर ली होगी। आपसे चंद एक और बातें मैंने करनी हैं, वो ये कि हसूल इल्म सिर्फ डिग्रियां लेने का नाम नहीं। आपसे गुजारिश ये है कि जो भी कोर्स सिलेक्ट करें बड़ा सोच समझ के करें और ये देखिए कि मुझे इसमें से किस किस्म का नॉलेज मिलेगा, कौन सी मेरी स्किल्स डेवलप होंगी और किस किस्म के एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ मुझे इसमें से मिलेंगी। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब जब कोर्सेज सिलेक्ट करें तो ये ज़रूर जहन में रखिए कि हमें इस कोर्स से कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं ज़ाती तौर पे और इज्तमाही तौर पे। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम आपकी सहूलत के लिए आपके घर की दहलीज तक पहुंचाने का हमने बेड़ा उठा रखा है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप पे भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं और उनमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि जो कोर्स मटीरियल आपको भेजा गया उसको अच्छी तरह पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद समझिए, उसको क्रिटिक कीजिए और फिर जो आपकी असाइनमेंट्स हैं उन्हें बतरीक़े अहसन मुकम्मल करके अपने अपने ट्यूटर्स तक भेजिए। ट्यूटर्स के साथ आपका राबता गो रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि उनसे आपको इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट मिल सकती है,
आपकी असाइनमेंट को कंप्लीट करने में मदद और मुआवनत मिल सकती है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हमारी कोशिश ये है कि इस आइंदा सेमेस्टर में कम अज़ कम इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाक़े में हम ये करें कि ट्यूटर्स को सेल फ़ोन की फैसिलिटी मुहैया करें ताकि वो अपने अपने तालिबात और तलबा के साथ राबता कायम करें और अपने इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट का पूरा हक अदा कर सकें। इसको इस्तेमाल कीजिए और अपनी अपनी असाइनमेंट को बेहतर और आसान तरीके से करने की कोशिश कीजिए। इसी से आपकी वो जुस्तजू जो इल्म के हसूल के लिए आप कर रहे हैं फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद बात आती है आपके इम्तहानात की। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इम्तहान सिर्फ वही नहीं कि आपने एक पर्चा लिया और उसका हल कर दिया। इम्तहान वो तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम और आप मिलके ये फ़ैसला करते हैं कि आपने इस कोर्स से क्या सीखा, क्या हासिल किया और इसका लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा क्या होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस जुस्तजुए हक और जुस्तजुए इल्म में पूरी कामयाबी अता फरमाए। वस्सलाम। आइए अब हम आपको चंद अहम डिसिप्लिनस और कोर्सेज के मुतालिक आगाह करते हैं। 1 अगस्त से शुरू होने वाले सेमेस्टर खजां 2007 में अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एमफिल की बुनियाद पर पीएचडी सतह पर उलूम इस्लामिया में दाखिले शुरू किए हैं, जबकि एमफिल ब्राइट पीएचडी सतह पर 5 मुख्तलिफ मजामीन में तालीमी प्रोग्रामों के दाखिले हो रहे हैं। इनमें इबलाग आमा, इकबालियात, उलूम इस्लामिया, गज़ा और गज़ाइयत और केमिस्ट्री शामिल हैं। नए सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने एमएससी सतह पर कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, माशियात, मुताला पाकिस्तान और वुमेन्स स्टडीज़ में दाखिले जारी किए हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा के इश्तराक अमल से एमबीए एमपीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सेमेस्टर खजा 2007 में भी पेश किया जा रहा है। अज़ीज़ तलबा, एमए सतह पर नए सेमेस्टर में उर्दू, अरबी, तारीख और उलूम इस्लामिया के प्रोग्रामों में दाखिले हो रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के ज़ेर उनवान डाइटेटिक्स प्राय डाइटिशंस, न्यूट्रिशंस प्राय फिजिशंस और वुमेन स्टडीज़ प्रोग्रामों में भी दाखिले हो रहे हैं। बैचलर सतह पर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 6 डिसिप्लिन में प्रोग्राम पेश कर रही है। बीएस कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स में दाखिले हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने सेमेस्टर खजान 2007 में डिप्लोमा इन वीएन साइंसेज बराए ऑप्थेलेमिक टेक्नीशियन और डिप्लोमा कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी दाखिले शुरू कर रखे हैं। नए सेमेस्टर खजान 2007 में इंटरमीडिएट सतह पर एफए